गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बोर मॉडल की लिमिटेशन सीमाएं पढ़ेंगे। क्या कमियां थी बोर मॉडल में? पिछली क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था कि बोर का सिद्धांत जो है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले किसी परमाणु या आयन के लिए लागू हो सकता है, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू आयन और हाइड्रोजन परमाणु के लिए। उसके लिए हमने त्रिज्या के सूत्र, ऊर्जा के सूत्र व्युत्पन्न किए थे। इतना सब होने के बाद भी बोर मॉडल कुछ बातों को व्याख्या करने में असफल रहा, तो मैं क्या पढ़ूंगा कि क्या बोर मॉडल में कमियां थी, क्या उसकी लिमिट थी, किन बातों को वो समझा नहीं सका। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर मॉडल की सीमाएं। बोर मॉडल की सीमाएं, देखिए पहली कमी क्या थी कि जो बोर मॉडल है वो परमाणु द्वारा बंद बनाकर जो क्या बनाया जाता है, अणु। परमाणु बंद बनाकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। परमाणु किस वजह से बंद बनाकर अणु बनाते हैं? तो अणु निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। बोर का जो सिद्धांत था वो परमाणु द्वारा अणुओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। सबसे बड़ी कमी जो थी वो क्या थी कि जो बोर मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर ही लागू होता है। सर, जो बोर मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर लागू होता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले किसी परमाणु या आयन पर बोर मॉडल को अप्लाई नहीं किया जाता। मतलब उसके त्रिज्या और ऊर्जा के जो सूत्र हैं वो ओनली एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर लागू होते हैं। तीसरी बात है, जैसे जैसे समय गुजरा, अनेक स्पेक्ट्रम की टेक्निक आई, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की जो तकनीक आई, उनसे पता लगा कि जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं पास पास दिखाई देती हैं, दो रेखाएं पास पास कई जगह, उनको हम डबलेट बोलते हैं, द्विक रेखाएं। दो रेखाएं जो कहां हो बिल्कुल पास पास, ये द्विक रेखाएं क्यों आई स्पेक्ट्रम में, इस बात की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सका। तो मैं क्या लिखूंगा कि जब टेक्निक इस्तेमाल हुई, अच्छी वाली टेक्निक, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त द्विक रेखाएं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त द्विक रेखाएं समझा नहीं सका कौन, बोर मॉडल, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में दो रेखाएं पास पास स्थित होती हैं, वो द्विक रेखाएं क्यों प्राप्त होती हैं। चौथी जो कमी थी कि यदि हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती हैं वो विपाटित हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं, इस प्रभाव को क्या नाम बोला गया? स्टार प्रभाव। क्या बोला गया? स्टार प्रभाव। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को क्या बोला गया? स्टार प्रभाव। और यदि विद्युत क्षेत्र की जगह क्षेत्र कौन सा हो? चुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में
यदि यही वर्क होता है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं विभाजित होती हैं, तो उस प्रभाव का नाम होता है जीवन प्रभाव। इन दो प्रभाव की बोर मॉडल व्याख्या नहीं कर सका। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो चार बातें हैं इनको हम बोर मॉडल से नहीं समझ सकते, बोर मॉडल इन बातों की व्याख्या नहीं करता। हम ये मानते हैं कि जो बोर मॉडल था वो रदरफोर्ड मॉडल से बहुत अच्छा था, बहुत बातें उसने क्लियर की, लेकिन फिर भी कुछ कमियां उसमें रह गई। फर्स्ट कमी क्या थी कि क्या कारण है कि परमाणु बंद बनाकर अणु बनाते हैं, तो परमाणु द्वारा अणु निर्माण की व्याख्या नहीं की जा सकती बोर सिद्धांत द्वारा। दूसरी कमी क्या थी, बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर ही लागू होता है। बोर का मॉडल उन्हीं परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन होते हैं। क्लियर है। थर्ड जो लिमिट थी वो थी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, द्विक रेखाएं जिनको मैं डबलेट कह सकता हूं, वो क्यों आती हैं, उनका रीजन क्या है। और चौथा जो फैक्ट था वो क्या था कि जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो स्पेक्ट्रम में रेखाएं विपाटित हो जाती हैं, जिनको मैं कैसा प्रभाव बोलता हूँ, स्टार्क प्रभाव। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी स्पेक्ट्रम में रेखाएं क्या हो जाती हैं, विपाटित हो जाती हैं, जिनको मैं क्या कहता हूँ, जीमोन प्रभाव। तो जो बोर का मॉडल था वो स्टार्क प्रभाव और जीमोन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये था कि क्या क्या कमियां थी बोर मॉडल में। ओके, जस्ट इसके बाद, बोर मॉडल के बाद हमारा नया टॉपिक जो है वो है, देखिए हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था बोर का मॉडल, परमाणु संरचना के मॉडल की, परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहला नंबर किसका आया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद नाम आया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और लेटेस्ट हमने क्या पढ़ा है, बोर का परमाणु मॉडल। क्लियर है। देखिए तीन मॉडल पढ़ने के बाद चौथा मॉडल आता है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, लेकिन बोर के मॉडल और परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के मध्य दो वैज्ञानिकों द्वारा दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, उनको हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल था वो उन दो फैक्ट, उन दो थ्योरी पर बेस्ड था। क्लियर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बोर मॉडल के बाद दे ब्रॉगली का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये दो स्टेटमेंट पहले आते हैं, इनके बेसिस पर फिर परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है दे ब्रॉगली का सिद्धांत। दे ब्रॉगली का सिद्धांत, दे ब्रॉगली सिद्धांत का एक नाम और भी होता है कि सिद्धांत हमें किस बात की व्याख्या करता है, और वो है द्रव्य की वेगी प्रकृति, द्रव्य की वेगी प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है दे ब्रॉगली की थ्योरी। इसका मतलब क्या, देखो हमने पढ़ा था शुरू में स्टार्टिंग में कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उनकी दोहरी प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है उनकी दोहरी प्रकृति होती है। हमने पढ़ा है उसकी कणीय प्रकृति पढ़ा है, उसकी तरंग प्रकृति पढ़ा है। मैं रिवाइज कर रहा हूं एक बार, विद्युत चुंबकीय विकिरण की दोहरी प्रकृति में हमने सबसे पहले पढ़ा था तरंग प्रकृति। यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण, कहने का मतलब प्रकाश भी कह सकता हूं विद्युत चुंबकीय विकिरण को, यदि प्रकाश की प्रकृति हम तरंग माने तो उसके व्यतिकरण और विवर्तन गुणों की व्याख्या हो सकती है। यदि मैं प्रकाश की प्रकृति को कणीय प्रकृति मानूं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण की मैं व्याख्या कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर बात क्या आई कि प्रकाश जो है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वो दोहरी प्रकृति का होता है। आप विद्युत चुंबकीय विकिरण को या प्रकाश को जब दोहरी प्रकृति का मानेंगे कि वो कणीय प्रकृति का भी है, वो तरंग प्रकृति का है, तो ही तब जाकर ही आप प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या समझा सकते हैं। बाद में वैज्ञानिक आए देव ब्रॉगली,
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण की ड्यूअल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति होती है, वो कणीय प्रकृति का भी होती है, वो तरंग प्रकृति की होती है, उसी तरह प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य मैटर, उसकी भी नेचर कैसी होती है? ड्यूअल नेचर होती है। क्लियर है? तो देव ब्रॉली का सिद्धांत जो है वो किस बात की व्याख्या करता है कि द्रव्य, द्रव्य का मतलब प्रत्येक पदार्थ भी कैसी प्रकृति रखता है? ड्यूअल नेचर रखता है। ओके, तो देव ब्रॉली ने किसी पदार्थ, किसी पदार्थ की कणीय प्रकृति के लिए, किसी पदार्थ की कैसी प्रकृति के लिए? कणीय प्रकृति के लिए उसने एक संबंध व्युत्पन्न किया। अब बाद में यह कहूंगा कि जब देव ब्रॉली ये कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ दोहरी प्रकृति का होता है, वो कणीय प्रकृति का भी होता है और वो तरंग प्रकृति का भी होता है, तो फिर ये संबंध उसने कणीय प्रकृति के लिए क्यों दिया? उसने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में तरंग प्रकृति के भी गुण होते हैं, लेकिन वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, उनकी लैम्डा क्या हो जाती है? छोटी। उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बहुत छोटी होती है। इसलिए ऐसी वस्तुएं तरंग के गुण हम देख नहीं पाते, उनमें जो तरंग के गुण है वो कम प्रकट हो पाते हैं। क्लियर है? तो किसी पदार्थ की कणीय प्रकृति के लिए देव ब्रॉली ने जो सिद्धांत दिया, संबंध दिया, वो क्या था? लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। यहां देखिए क्या है, लैम्डा बराबर क्या है? कण की लैम्डा आपको पहले भी पता है, तरंग दैर्ध्य। एच क्या है? प्लांक नियतांक। और पी क्या है? कण का संवेग, एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग लिया मैंने, संवेग कैसा लिया है मैं आपको बता दूं, यहां पर रेखीय। रेखीय संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखिए चूंकि P क्या होता है साहब? mv। पढ़ा है आपने फिजिक्स में, जो रेखीय संवेग होता है वो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है, तो P की जगह आप mv रखते हो यहां, तो क्या सूत्र बन जाएगा? लैम्डा बराबर h अपॉन mv। तो फिर क्या हो जाएगा? m क्या हो जाएगा? कण का द्रव्यमान, v कण का वेग। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए आप इसको वापस से। देव ब्रॉली का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं जो द्रव्य की द्वैती प्रकृति की व्याख्या करता है कि द्रव्य प्रत्येक पदार्थ भी दोहरी प्रकृति का होता है। किसी पदार्थ की कणीय प्रकृति के लिए ब्रॉली ने एक सिद्धांत दिया, एक सूत्र उसने व्युत्पन्न किया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। पी क्या है? रेखीय संवेग है, तो पी बराबर एम बी होता है, द्रव्यमान गुणा वी। ये सूत्र से मान मैं यहां रखूंगा, सूत्र क्या आ गया आपके पास? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। देखिए इस सिद्धांत के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना हुई। अब बात यह है कि द्रव्य की द्वैती प्रकृति, मतलब देव ब्रॉली के सिद्धांत को अपन यदि साधारण सी बात में बोले तो क्या कहेंगे? ये सिद्धांत ये कह रहा है कि जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण दोहरी प्रकृति का होता है, मतलब प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, प्रकाश तरंग प्रकृति का भी होता है, प्रकाश कणीय प्रकृति का भी होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ भी दोहरी प्रकृति का होता है। तो मेन बात क्या है देव ब्रॉली की, कि उसने कहा कि प्रत्येक पदार्थ, एवरीथिंग, प्रत्येक पदार्थ जो है वो भी दोहरी प्रकृति का होता है, उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तरंग प्रकृति के भी गुण होते हैं और कणीय प्रकृति के भी गुण होते हैं। तो फिर उसने कहा, ये सिद्धांत दिया। अब बात ये है, हम किस में आते हैं? पदार्थ में। एवरीथिंग इज मैटर। वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, वो वस्तु कहलाती है, पदार्थ कहलाता है। हम भी स्थान घेर रहे, हम में भी द्रव्यमान है, तो हम भी क्या है? वस्तु है, पदार्थ है।
जो हम देख रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ, एवरीथिंग इज मैटर। तो पदार्थ है तो फिर हमें भी दो प्रकार के गुण हैं, हमें तरंग के गुण भी हैं और हमें कणीय प्रकृति के भी गुण हैं। लेकिन हमें दिखने में जो गुण प्रदर्शित होते हैं वो सिर्फ कणीय प्रकृति के गुण प्रदर्शित करते हैं अपन लोग। कौन सी प्रकृति के गुण नहीं प्रकट हो पाते? तरंग प्रकृति के। हम तरंग की तरह थोड़ी व्यवहार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों है कि हमें तरंग के गुण दिखाई नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमारा द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि हमारे लिए लैम्डा की वैल्यू, तरंग दैर्ध्य की जो वैल्यू है वो बहुत क्या हो जाती है, कम। और तरंग दैर्ध्य की वैल्यू जब कम हो जाती है तो हमें तरंग के गुण दिखाई नहीं देते। सूत्र से कह सकता हूं ये बात में, लैम्डा बराबर एम अपॉन एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। एम क्या है? द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान और लैम्डा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। द्रव्यमान और लैम्डा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगी। अब हमारा द्रव्यमान ज्यादा है तो लैम्डा कम है। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग है ही नहीं, बिल्कुल कम है। तो हमारी तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम है, इसलिए हमें तरंग के गुण प्रदर्शित नहीं होते। क्लियर है? इसके बाद दे ब्रोगली के द्रव्य की द्वैती प्रकृति के सिद्धांत के बाद जो सिद्धांत आया था वो था वर्नर का हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। इस सूत्र पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, वैसे इसका जो कथन है वो भी इंपॉर्टेंट है और इसका ये सूत्र इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल बहुत सारे मेरे इस पर बेस्ड हैं, आधारित हैं। एक दो न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे इसमें। मान लीजिए आपके पास कोई सवाल है जिसमें ये सूत्र काम में आएगा साहब। सूत्र लिखने के दो तरीके मैंने बताए आपको, एक सूत्र को क्या लैम्डा बराबर एच अपॉन बी, एक क्या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। देखिए आपके पास है कि सवाल क्या है, सवाल में दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में, 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले, 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन का, फोटोन नाम समझ रहे हैं आप, क्वांटा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से लाए हुए ये शब्द फोटोन या क्वांटा, द्रव्यमान ज्ञात करो। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है एम, दे क्या रखा है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा दे रखी है आपको 3.6 एंगस्ट्रॉम और एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10^-10 मीटर। तो चेंज कर दो, 3.6 × 10^-10 मीटर ये लीजिए साहब, मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया, एंगस्ट्रॉम को क्या बना दिया मीटर। आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, एम आपसे पूछा है, तो एम पूछा, तो देखिए आपसे एम पूछा है, क्या पूछा है एम। वी क्या है, वेग, तो फोटोन प्रकाश, प्रकाश का वेग क्या होता है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बोलो चाहे क्या बोलो वी, तो 3.0 × 10^8 मीटर/सेकंड। आपके पास देखिए लैम्डा है, वी है, एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, पूछ क्या लिया आपसे एम, तो सूत्र ये लग जाएगा साहब, यहां से क्या सूत्र आ जाएगा एम का, एम बराबर एच लैम्डा गुणा वी, एच की जगह प्लांक कांस्टेंट, क्यों लैम्डा की जगह ये वैल्यू रख देंगे, सी की जगह ये वैल्यू रख देंगे वी की जगह, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एम की। तो ये सूत्र क्या है, देखिए एक तो इसमें लैम्डा है, एक इसमें एच है, एक एम है और वी है। एच तो फिक्स होता है प्लांक कांस्टेंट, वी फोटोन का फिक्स है, लैम्डा देकर एम पूछ सकता है, एम देकर लैम्डा पूछ सकता है। क्लियर है? इसके बाद द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बाद वैज्ञानिक आए वर्नर हाइजेनबर्ग।
मॉडल का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए सीधी सीधी बात करेंगे अपन एक लाइन में, किसी सूक्ष्म कण, किसी सूक्ष्म कण। अब सूक्ष्म कण में कौन इससे ज्यादा, तो सूक्ष्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या मान सकता हूं मैं, सूक्ष्म मान सकता हूं, स्थूल वस्तु थोड़ी है इलेक्ट्रॉन। तो किसी सूक्ष्म कण, हाइजेनबर्ग ने सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दिया, पर हम लगा सकते हैं कि किसी सूक्ष्म कण जैसे कौन, इलेक्ट्रॉन, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग, संवेग को मैं सीधी सीधी बात क्या भी कह सकता हूं, वेग, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों का, दोनों का किसका, स्थिति का, उस सूक्ष्म कण की स्थिति क्या है, उस सूक्ष्म कण का वेग क्या है, इन दोनों का, दोनों का एक साथ यथार्थता, यथार्थ मापन संभव नहीं है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का आप एक साथ सही सही मापन नहीं कर सकते। यदि स्थिति का आंसर सही आएगा तो वेग का आंसर गलत आएगा, यदि वेग आपने सही निकालिया तो स्थिति गलत आएगी। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि किसी सूक्ष्म कण जैसे कौन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग आप दोनों एक साथ सही सही ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है, इस सिद्धांत ने तो पूरी विचारधारा ही बदल दी। देखिए बोर मॉडल क्यों फेल हो गया, हम ये कहें कि वेग और स्थिति एक साथ सही नहीं आ सकती, वेग और स्थिति एक साथ सही नहीं आ सकती, लेकिन बोर ने तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या फिक्स बता दी उसने सूत्र से, और कह दिया उसने उसका आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, तो ये दो बातें तो निकल नहीं सकती थी, हम किसकी बात माने, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को माने थे। और जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो केवल किसके लिए लागू होता है, सूक्ष्म पिंडों के लिए, सूक्ष्म वस्तु के लिए, सूक्ष्म पिंडों के लिए, न कि स्थूल वस्तु के लिए। देखिए उसका जो गणित सूत्र था, गणित सूत्र क्या कह रहा है, इसी सिद्धांत को अपने एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, एक बात तो क्या बोल दी, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग या वेग दोनों का एक साथ सही सही मापन संभव नहीं है। अब उसने कहा मान लो आप तो मापन कर रहे हो, हमने ये कह दिया कि दोनों का एक साथ मापन नहीं, सही सही नहीं आ सकता, एक साथ अलग लगा सकता है, एक साथ सही से आंसर नहीं आ सकता, तो फिर भी अपने यदि मापन करें सब आंसर तो सही नहीं आएगा, फिर भी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ मेजरमेंट करें तो पता है कितनी त्रुटि आ सकती है मैक्सिमम। उस त्रुटि के लिए उसने सूत्र दिया और वो क्या था, किसी किसी सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता को, स्थिति को एक्स से डिनोट करूंगा, अनिश्चितता का मतलब क्या हुआ, त्रुटि, गलती कितनी है, जितना होना चाहिए था और जितना आ रहा है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, डेल एक्स, स्थिति में अंतर, अंतर का मतलब जो आंसर आया है वो और जो आना चाहिए वो, ठीक है, स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता
डेल पी का गुणनफल सूक्ष्मकण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी का जो गुणनफल है वो एक्स अपॉन 4 पाई से अधिक या बराबर होता है। बात दोनों की एक ही है, मूल थ्योरी तो यही है कि स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ मापन संभव नहीं है। अब मापन कर ही रहे हैं, करोगे तो साथ इतनी त्रुटि आ जाएगी। कितनी? स्थिति में अंतर और संवेग में अंतर का जो रिजल्ट है गुणा का, वो एच अपॉन 4 पाई गया तो बराबर आएगा या उससे अधिक आएगा। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखिए। डेल एक्स गुणा डेल पी, डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी क्या है संवेग में अनिश्चितता की का मान बड़ा होता है या बराबर होता है एच अपॉन 4 पाई। समीकरण नंबर 1, डेल एक्स गुणा डेल पी, डेल एक्स गुणा डेल पी का मान एच अपॉन 4 पाई के बराबर या क्या होता है उससे अधिक होता है। देखिए चूंकि डेल पी क्या है साहब, डेल पी होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है? संवेग होता है एम गुणा बी। भाई पी क्या होता है? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का सूत्र क्या आ गया? एम गुणा वी। अब डेल पी का मतलब संवेग में अंतर, तो अंतर एम डेल एम भी नहीं लिखेंगे अपन, ये सही की तरह तो जाएगा साहब ऐसे। डेल एम बी, द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, तो एक्चुअली डेल किसके लगेगा? ये लगेगा वी। तो डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू डेल वी। ये मान यहां रख दीजिए, डेल एक्स गुणा डेल पी बराबर है या अधिक है एच अपॉन वी। अब एम को मैं इधर ला रहा हूं, क्यों? ये फिक्स राशि है, इसलिए 4 पाई ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं समीकरण नंबर कितना देऊंगा? 2। स्थिति में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, एच प्लांक स्थिरांक, पाई 22/7, एम कण का द्रव्यमान, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का। देखिए अब बात करें कि यदि जब भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो इसको आप बराबर के साइन में चेंज कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस सूत्र पर, हाइजेनबर्ग के इस सूत्र पर एक न्यूमेरिकल को सोल्व करें, देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? देखिए बात कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन की, उसने बताई है स्थिति में अनिश्चितता, और स्थिति में अनिश्चितता उसके वैल्यू कितनी बताई है? वो बताई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। चेंज कर दूंगा, 0.1 × 10^-10 मीटर स्थिति में अनिश्चितता बता दी उसने। उसने पूछा क्या है? वेग में अनिश्चितता। सीधी सी बात है, सवाल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता दे रखी थी, वेग में अनिश्चितता उसने पूछी है, तो सूत्र लगा दीजिए आप वो वाला। कैसे लगाएंगे? डेल एक्स गुणा डेल वी इजिकल टू एच अपॉन 4 पाई एम, एम
कण का द्रव्यमान है, अब कण यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखिए हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, डेल वी की, तो डेल वी बराबर वेग में अनिश्चितता पूछी है सवाल में, तो हो जाएगा एच अपॉन डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता, इसको इधर ले आए अपन, गुणा फोर गुणा पाई गुणा एम, वैल्यू रखो साहब, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकंड अपॉन डेल एक्स कितना दे रखा है 0.1×10^-10 मीटर गुणा 4 पाई की वैल्यू 3.14 22/7 से आ जाएगी, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1×10^-31 की, ये वैल्यू मैंने सारी इसमें रख दी है साहब। यहां से जो भी आंसर आएगा देखिए किस में आ जाएगा, इसमें क्या होगा आपको जूल को चेंज करना पड़ेगा साहब, जूल को किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी वाले यूनिट में, तो इस जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये चेंज करूंगा साहब जूल की जगह, इस जूल की जगह मैंने ये मात्रक लिखा है, लिख सकता हूं ठीक है बीमा वाले चैप्टर से, तो देखिए केजी से तो केजी कट जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, तो माइनस एक रह जाएगा, जूल हट ही गया, तो आंसर किस में जाएगा, देखो ये तो मीटर बच गया एक, तो ये तो मीटर बच गया और एक सेकंड इनवर्स बच गया, और आपको पता है वेग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स ही होती है। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर ये सवाल आते हैं क्या पूछा है और क्या आपको दिया गया है, सर ये बातें आपको याद रखनी है, उसमें आपको वैल्यू रखनी है, मात्रक सहित आपको वैल्यू रखनी है, तो सवाल जो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर बोर मॉडल की विफलता के कारण क्या थे, क्या वजह थी कि बोर मॉडल जो है वो विफल हो गया, और बोर मॉडल के बाद द्रव्य की द्वितीय प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो विकसित किया गया था उसकी विचारधारा क्या थी, उसकी पृष्ठभूमि कितनी थी। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।